नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्रवण पटवा और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुलसुले। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ में ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप हेतु न्यू रिक्रूटमेंट 2022-23 हेतु विभिन्न ट्रेड के व्यवसायों में कुल 639 पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए एलिजिबिलिटी नंबर ऑफ वैकेंसी एज लिमिट सिलेक्शन प्रोसेस अप्लाई प्रोसेस क्या होने वाला है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब एवं नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस भर्ती से संबंधित जो भी वीडियो पोस्ट किया जाएगा वह आपको हर पल मिलती रहे। आप सभी अन्य चैनल के माध्यम से इस भर्ती के बारे में वीडियो देख चुके होंगे, किंतु मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मेरे माध्यम से सत्र 2019-20 एवं सत्र 2020-21 में कुछ अभ्यर्थियों का चयन अप्रेंटिसशिप हेतु हुआ था। मेरा कोशिश रहेगा इस बार भी कुछ अभ्यर्थियों का चयन हो जाए। भर्ती से संबंधित जैसे योग्यता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, एज लिमिट, ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड क्या होगा, इन सभी की चयन प्रक्रिया की जानकारी के लिए आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यह नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से जारी किया गया है। यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा अप्रेंटिस अधिनियम 1961-1973 के अंतर्गत मात्र प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करने हेतु कुल 639 ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु जो एक वर्ष के लिए है यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ 11 अलग अलग ट्रेड हेतु वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही भिलाई स्टील प्लांट के अलावा IOC राजहरा के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आउट किया गया है। आप सभी अपने ट्रेड के अनुसार एवं कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटों का विवरण देख सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का कैटेगरी में पोस्ट बहुत ही कम दिखाई दे रहा होगा वे सभी जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, तभी आपका जनरल कैटेगरी से फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। यहाँ मेडिकल लैब हेतु भी वैकेंसी आउट किया गया है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन ट्रेड के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं में विज्ञान विषय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान अनिवार्य है। यदि किसी उम्मीदवार का मेडिकल लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा कोर्स पूर्ण किया गया है तो उसे यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। अप्रेंटिस पोर्टल में आवेदन करने की अंतिम तिथि 6/3/2022 है। यह जो पोर्टल आपको दिखाई दे रहा है यह अप्रेंटिसशिप का पोर्टल है, जहां आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन कैसे कर पाएंगे इसका वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन विज्ञापन अवधि में ही आपको करना है। यहाँ पे 8/2/2022 को यह विज्ञापन जारी किया गया है और अंतिम तिथि 6/3/2022 है, तो इस अवधि में आपको जो है पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करना है। यदि इसी आपने पूर्व में अप्रेंटिस पोर्टल पर भिलाई स्टील प्लांट के लिए आवेदन किया था और आपका चयन नहीं हुआ था तो उस अवधि में आपको पहले अपने आवेदन फॉर्म को रिजेक्ट करवाना होगा, उसके बाद पुनः आपको इस विज्ञापन अवधि के दौरान ही आपको आवेदन पुनः करना होगा। 6/3/2022 के बाद यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र यहाँ किसी भी प्रकार का रोजगार देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह सिर्फ एक साल का प्रशिक्षण है। भिलाई इस्पात संयंत्र छात्रावास और आवास की सुविधा प्रदान नहीं करती है, चयनित उम्मीदवार अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करेंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को सर्वप्रथम प्राथमिकता दिया जाएगा, परंतु यदि निर्धारित सीटों का कोटा चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं भरा जा सका तो अन्य राज्य के उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार किया जा सकता है। अर्थात यहाँ अन्य राज्य के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, किंतु सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता दिया जाएगा भर्ती के दौरान। चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रशिक्षार्थी को यात्रा भत्ता अथवा अन्य भत्ता यहाँ दे नहीं होगा। यहाँ पे आपका ITI में जो प्रतिशत होगा उसके आधार पे यहाँ पे आपका चयन होगा। किसी भी प्रकार का यहाँ पे इंटरव्यू और रिटन एग्जाम नहीं होना है, ITI के मेरिट बेस पे यहाँ पे चयन होगा। उम्मीदवारों की पात्रता के अंतर्गत शासकीय एवं अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान NCVT से उत्तीर्ण उम्मीदवार यहां आवेदन के पात्र होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में दाखिल होने के बीच का अंतर 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपका ITI पास आउट हुए 3 वर्ष से अधिक हो चुका है
तो आप यहां आवेदन नहीं कर पाएंगे। जो अभ्यर्थी 2019 से पहले जैसे 2017, 18, 15 में पास आउट हुए हैं वे यहां पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदन तो कर लेंगे किंतु जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम उन्हें रिजेक्ट किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी 2019 के बाद 2021 में पास आउट हुए हैं वे अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो SCVT से जो अभ्यर्थी ITI किए हैं वे यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदन कर सकते हैं किंतु उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से बोला गया है NCVT वाले ही आवेदन के पात्र होंगे। और मेरे जानकारी में अभी तक किसी भी SCVT वाले लोग का वहाँ नहीं हुआ है, जिनका भी हुआ है NCVT वाले अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है। यहाँ एज लिमिट का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका उम्र 18 से 24 के बाद अधिक हो चुका है, 30, 32, 35 साल हो चुका है और उन्होंने अभी 2019 या 2021 में पास आउट हुए हैं ITI से, ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट का यहाँ पे किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। मेरी जानकारी में कुछ ऐसे आवेदक वहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं जिनका एज 24 साल से अधिक हो चुका है। उन्होंने ITI 3 वर्ष के अंतराल में पास आउट किया था और उन्होंने अप्लाई किया वहाँ और सिलेक्शन होने के बाद वे अभी प्रेजेंट में अप्रेंटिसशिप कर रही हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका उम्र ज़्यादा हो चुका है किंतु वे ITI फिलहाल में पास आउट किए हैं वे अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन बिना किसी संकोच के कर सकते हैं। आवेदन करते समय आप सभी को पोर्टल पे कौन कौन से दस्तावेज स्पष्ट रूप से अपलोड करने हैं उसका विवरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सभी फ्रेश नया रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे इसका भी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जब आप सभी लोगों का चयन होगा और दस्तावेज सत्यापन के लिए जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपने जो ईमेल ID पोर्टल पे दिए होंगे या कॉन्टैक्ट नंबर उस पे आपको मेल के थ्रू और कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको सूचित किया जाएगा। आप सभी लोग पोर्टल पर अपना एक्टिव एंड वैलिड स्वयं का ईमेल ID और स्वयं का मोबाइल नंबर ही फिल कीजिएगा। यदि आप सभी पोर्टल पर किसी दूसरे का ईमेल ID या मोबाइल नंबर उपयोग करेंगे तो आप सभी को इस भर्ती प्रक्रिया की जानकारी समय पर नहीं मिलेगा, जिससे आप इस भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो सकते हैं। इसलिए स्वयं का ईमेल ID जिसका पासवर्ड आप सभी लोगों को पता हो और कॉन्टैक्ट नंबर जो आप रेगुलर प्रयोग करते हैं वही पोर्टल पर फिल करेंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है उसका विवरण यहाँ पे दिया गया है। साथ ही आप सभी को मैं वीडियो के माध्यम से बताया हूँ कि कैसा मेडिकल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। सारा चीज़ आपको जो वीडियो का लिंक एक दूंगा उसमें आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। मेरिट लिस्ट में सबसे पहले शासकीय संस्थान के आवेदकों को स्थान दिया जाएगा। उसके पश्चात गैर शासकीय मतलब प्राइवेट ITI से जो आवेदक ITI करते हैं उनको स्थान दिया जाएगा। ग्रेजुएट एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं। 18 ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिस प्रशिक्षु एवं 17 टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप हेतु यह 1 वर्ष की अंतिम तिथि 6/3/2022 है। और यहाँ पे पोर्टल एड्रेस दिया गया है जिस पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, पोर्टल mhrdnats.government.in। यहाँ जा करके आप अपना ID लॉगिन करेंगे और यहाँ पे आवेदन करेंगे। जो अभ्यर्थी ITI अप्रेंटिसशिप हेतु आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे www.apprenticeshipindia.government.in के साइट पे जाना है और वहाँ से आपको आवेदन करना है। यही वो पोर्टल है जहाँ से आपको आवेदन करना है। आप सभी घर बैठे अपने मोबाइल से फ्री में बिना किसी शुल्क के अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने का किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है। आप सभी लोग स्वयं के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप सभी हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किसी भी तरह का भर्ती से संबंधित डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे SMS करें, आपका हर संभव मदद किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब शेयर एवं नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।